हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे संस्कृत का टॉपिक संधि। संधि ऐसा टॉपिक है जो हम एग्जाम्स क्लियर करते हैं वहाँ भी आता है, और ये एक कॉमन टॉपिक है 7th, 8th, 9th, 10th, 12th और अभी जैसे बताया। और ये के मतलब संस्कृत और हिंदी दोनों में लगभग सेम होता है, केवल जो विसर्ग वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता हिंदी और संस्कृत में। तो इसलिए हिंदी और संस्कृत में भी लगभग कॉमन होता है, और आगे तक यहाँ तक कि जैसे लोग जो लोग रिट की तैयारी करते हैं, आर्ट के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी, उनके लिए भी संधि का टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए संधि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं संधि। संधि क्या है? दो शब्दों का मेल, संधि मतलब मेल, तो दो शब्दों का मेल या जो जोड़ है उसको संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है तीन प्रकार की। सबसे पहले होती है अच संधि। अच संधि मतलब अच, संस्कृत में प्रत्यय होते हैं उसके अकॉर्डिंग अच का मतलब होता है स्वर। तो अच का मतलब क्या है? स्वर संधि। दूसरे नंबर पे आती है हल संधि। हल, अब जैसे अच सारे स्वर हैं उनको अच बोलते हैं, इसी तरह जो व्यंजन है उनको बोलते हैं हम हल। दूसरे नंबर पे हल संधि या व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी विसर्ग संधि। अब जैसे इनका नाम है अच संधि, स्वर संधि, मतलब जो स्वरों का मेल होता है वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन में जो मेल होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगी, और विसर्ग के कारण, विसर्ग के मेल के कारण जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं स्वर संधि, अच या स्वर संधि। अब ये कितने, वैसे तो आठ प्रकार होते हैं इसके पूर्व पर ऐसे, लेकिन जो केवल स्वरों में मेन जो है वो पांच है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पे आता है गुण संधि, तीसरे नंबर पे आता है हमारा वृद्धि संधि, चौथे नंबर पे यण संधि, और पांचवे नंबर पे आता है अयादि संधि, और इसके बाद है पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, ऐसे करके आठ पार्ट हो जाते हैं इसके। तो मेन जो है वो ये पांच है। तो अब स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जितने स्वर हैं उनको लिखेंगे, और उसके अनुसार ये लाइन की सारी संधि आपको क्लियर हो जाएगी। स्वर ए आ, छोटी की, बड़ी की, छोटा उ, बड़ा उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये देखिए ये हमने स्वर लिख लिए हैं। तो अब इसमें देखो, ये मोस्टली ये हर्ष स्वर और ये दीर्घ स्वर होते हैं, तो ये एक समान वर्ण माने जाते हैं, इसलिए हमने इनको ऐसे लिखा है। तो जो सबसे पहली संधि थी दीर्घ संधि,
दीर्घ मतलब आपने हॉर्स और दीर्घ पढ़ा होगा, तो जो दीर्घ संधि है ये क्या है, हॉर्स या दीर्घ दोनों में से दो, इसके दो पद होते हैं, प्रथम पद और यहाँ पे द्वितीय पद होता है और उनके मिलने से जो बनता है वो होती है संधि। तो जहां दोनों पद में हर्ष या दीर्घ आए लेकिन वो संधि बनेगी वो दीर्घ में होती है, वो दीर्घ संधि कहलाती है, अर्थात इसका नाम दीर्घ संधि है। तो मतलब क्या हुआ कि जो संधि बनेगी वो दीर्घ में होगी, जैसे यहां ए आ, यहां भी ए आ, कुछ भी हो दोनों में से कोई भी आए यहां क्या बनेगी, जो आंसर होगा वो आ की मात्रा में, मतलब ए आ प्लस में ए आ संधि आ की मात्रा, ई ई प्लस में ई ई संधि ई की मात्रा, ऊ प्लस में ऊ और ऊ बड़ा की मात्रा, और री और दीर्घ, और री और दीर्घ। आंसर क्या आएगा, दीर्घ। अब इस पर एग्जाम्पल से मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ए आपका एग्जाम्पल लेते हैं हिम प्लस में आ गए, तो इसका संधि क्या बनेगी, ही मा ल यस। तो इसमें जैसे तथा प्लस में अपि, आंसर क्या आएगा, तथा पि। आप देखो यहां ए और यहां आ बनेगा क्या, आ यहां आ यहां ए बनेगा क्या, तथापि मतलब आ प्लस में ए आ हो गया। इसी तरह रवि प्लस में इंद, छोटी ई और छोटी बड़ी, अगर यहाँ पे बड़ी यहाँ पे छोटी या फिर यहाँ पे छोटी यहाँ पे बड़ी होती तो भी क्या था, मात्रा बड़ी ही आती। भानु प्लस में उदय भानुजय, पितृ प्लस में ऋणम रवि प्लस में ऋण, ये दीर्घ क्रिया को बताया था ऐसे करते और ऐसे पितृ ऋणम। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, बाकी आप अपनी बुक में से एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दीर्घ संधि हमारी क्लियर हो गई, दीर्घ संधि हमें क्या याद रखना है, समान वर्णों में होती है और वो दीर्घ होती है, जैसे समान वर्ण हो गए ए ई ऊ इनमें होगी, और दीर्घ के जैसे आ की मात्रा बड़ी की मात्रा ऊ की मात्रा और ये री, जब संधि होगी तो आंसर में यही मात्राएं आएंगी। ये जैसे आपका पेन में फॉर्मूला होता है इसी तरह आपको इसका ध्यान रखना है कि अगर संधि में आ की मात्रा है बड़ी की मात्रा है बड़ा उ है या ये दीर्घ ऋ है तो फिर वो दीर्घ संधि होगी। तो अब नेक्स्ट संधि गुण संधि होगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।